हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ फ़िश करी। मैंने फ़िश करी के लिए तिलापिया फ़िश लिया है। आपके पास जो अवेलेबल फ़िश हो आप उससे ये करी बनाएं। सबसे पहले मछली को अच्छे से वॉश कर ले, फिर दोनों तरफ से इसमें ऐसे कट लगा दे ताकि जो हम मसाले इसे इसको मैरिनेट करेंगे वो अच्छे से अंदर तक चले जाए। फिश को हम मैरिनेट करेंगे हाफ चम्मच नमक और हाफ चम्मच हल्दी से। जब मसाले दोनों तरफ से अच्छे से लग जाए तो इसे हम 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, जब वो कढ़ाई गर्म हो जाए तो उसमें हम 2 बड़ी चम्मच तेल डालेंगे। जब तेल गर्म हो जाए तब इसमें हम अपना फिश फ्राई कर लेंगे। फिश फ्राई करने के लिए दोनों तरफ से 3-3 मिनट लगे। अब उसी तेल में हम हाफ चम्मच राई या सरसों डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक का पेस्ट या घिसी हुई अदरक, 2 छोटे बारीक कटे हुए प्याज, 2 हरी मिर्च और 10 से 12 करी पत्ते। अब प्याज को अच्छे से आप भून लें। अब इसमें 2 मीडियम साइज बारीक कटे हुए टमाटर डाल दें। अब हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। याद रहे आंच एकदम धीमी रहे। 1 चम्मच ऐड करें नमक, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इन सबको हम बहुत अच्छे से भून लेंगे। ये सारे मसालों को हम तब तक भूनेंगे जब तक इसमें से तेल अलग ना हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छी तरीके से भुन गया है। अब इसमें आप 1 कप पानी ऐड कर दें। जब इसमें उबाल आने लग जाए तो इसमें आप अपना फिश ऐड कर दें। करने के बाद इसे हम कम से कम 5 मिनट तक पकाएंगे। अब फिश बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। इसे आप सर्व करें व्हाइट राइस के साथ।